बस ये तंत्र क्रिया हुई है जो कपड़े के माध्यम से हुई है, उसी के कारण आपकी शादी बंधी हुई है, उसी के कारण आपका गर्भ भी बंधा हुआ है, जो प्रेगनेंसी होती है वो भी बंधी हुई है, उसी के कारण आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, फिर और सारे ये मेंटल प्रेशर, हेल्थ इश्यूज, ये सब उसी के कारण हो गए हैं, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, आप ओके ऐसा हुआ क्यों है मैं बता देता हूँ अब, क्योंकि ओके प्रश्न कुंडली से ये निकल के आया है आप एग्जैक्टली परेशान हो क्यों इन चीजों से, ठीक है। कपड़े रेड कलर का कपड़ा या उसमें ब्लैक कलर का कपड़ा भी था, वो गायब हुआ आपका कभी? रेड कलर का हुआ है। रेड कलर का हुआ है, ठीक है, उसी उसके बाद परेशान हुए थे, हाँ ठीक है, जो वो कपड़ा गायब हुआ उसी पे तंत्र हुआ है, ठीक है। अच्छा या ओके हाँ, तो वो लगभग कितने समय पहले आपके जो स्त्री वाले हैं, जो जिन्होंने कपड़ा गुम गुम कर दिया था, वो कितने साल पहले की कहानी है? 2015 में, शायद ठीक है, 15-16 में, अभी इतना याद नहीं है। उसी के बाद परेशान हुए हो, हाँ ठीक है। बराबर। हाँ, तो ये उसी पे क्रिया हुई है मंत्रों द्वारा, ठीक है, अच्छा उसी के कारण आप जो है इतना परेशान हो, और हेल्थ इश्यूज भी उसी के बाद आए हैं आपको। हाँ मैं आपको बताता हूँ, या तो किसी पड़ोस वाले लड़के ने, किसी ने, ठीक है, जो आपको पसंद करता हो, या जहां आप जॉब कर रही थी या ट्रेनिंग कर रही थी, वहीं किसी ने आपका कोई कपड़ा वगैरह भी लिया है, ठीक है, चाहे वो हैंकी लिया हो, चाहे वो कुछ भी लिया हो, चाहे आपके कपड़े में से एक धागा निकाल लिया हो, ठीक है। ओ अच्छा हाँ, जब ये इन चीजों की हाँ शुरुआत हुई है हेल्थ की, वो सब चीजें, है लड़का ही जिसने ये आपका कपड़ा गायब करा है, ठीक है, ये जब से ओके प्रॉब्लम हुई है, इसमें आपको है ये वशीकरण भी हुआ था, ठीक है, वो आप पे अप्लाई नहीं हुआ वो बात अलग है, उसमें वशीकरण भी हुआ था, ठीक है, जिसके जो वशीकरण कामयाब नहीं हुआ, जिसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज हो गए, ठीक है। एक्चुअली ना, मैं 2012 में गवर्नमेंट में लग गई ना, तभी से इश्यू शुरू हो गए। कौन से तब फील्ड, तक बहुत अच्छा था, मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, बीएमसी कौन से फील्ड में में, है? क्लर्क, हॉस्पिटल में मैं क्लार्क थी, मेडिकल, हाँ क्लार्क थी। और इतना मतलब हेल्थ इश्यू बढ़ गया ना उस वक्त, बहुत परेशानियां हुई, और ऑफिस में भी, और मेरी छुट्टियां इतनी हो गई, मैं प्रोबेशन में थी ना, तो इतनी छुट्टियां हो गई, तो मेरी वो जॉब भी छूट गई। तो वही घर वालों के लिए तो वही बड़ा शौक है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे तूने छोड़ दिया। ठीक है। तो वो गया, मतलब उस 2012 से मुझे बहुत तकलीफ शुरू हो गई, मतलब वो जॉब से रिलेटेड ही। ठीक है, कोई भी भूत प्रेत आदि का कोई दोष नहीं है, ठीक है, अगर कोई ये कहता है कि भूत है प्रेत है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ में, बस हाँ, तंत्र क्रिया। क्योंकि मैं भगवान का बहुत, हाँ मतलब मंत्र सुनती रहती हूँ मैं हमेशा। बस ये तंत्र क्रिया हुई है जो कपड़े के माध्यम से हुई है, उसी के कारण आपकी शादी बंधी हुई है, उसी के कारण आपका गर्भ भी बंधा हुआ है, जो प्रेगनेंसी होती है वो भी बंधी हुई है, उसी के कारण आपको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, फिर और सारे ये मेंटल प्रेशर, हेल्थ इश्यूज, ये सब उसी के कारण हो गए हैं, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, आप ओके ऐसा हुआ क्यों है मैं बता देता हूँ अब, हाँ कोई भी घटना हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं घटती है, ठीक है, उसके पीछे ग्रह होते हैं, ग्रह ये कार्य कराते हैं, ठीक है। आपकी कुंडली में आपने बताया था कि भाई गज केसरी योग है, ठीक है, हाँ गज केसरी योग है, पहले आप तो ये देखो वो बन कहाँ रहा है, वो हानि वाले स्थान में बन रहा है, ठीक है, जब भी आपको फायदा होगा उसके साथ में नुकसान जरूर जुड़ जाएगा, ठीक है, ओके अच्छा क्योंकि वो 12th हाउस में गज केसरी योग बना हुआ है, ठीक है। और उस पे, उस गज केसरी योग पे जो लगन में मंगल वक्री होके बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं, उनकी
दृष्टि है, बकरी होने के कारण ग्रह एक भाव पीछे भी देखता है, ठीक है। तो मंगल की ओके वहां पे दृष्टि है, और मंगल पीड़ित किस वजह से है, मंगल बकरी है, एक तो इसमें लगन में नीच की राशि में, दूसरा शनि भी बकरी है आपके सेकंड हाउस में, और बकरी होने के कारण शनि के, शनि भी जो है मंगल को देख रहे हैं, ठीक है। और राहु भी बकरी है थर्ड हाउस में, राहु बकरी होके शनि को भी देख रहे हैं। आपको बच्चा क्यों नहीं होगा, क्योंकि बुध जो है आपके संतान भाव में अस्त भी है वक्री भी है, ठीक है। एक दो तीन, तीन ग्रह आपके वक्री हैं, ठीक है, तीन ग्रह आपके अच्छा वक्री हैं, राहु के तो हमेशा वक्री रहते ही रहते हैं। हाँ तो बुध जो वृश्चिक राशि में बैठे हैं संतान भाव में, यहाँ जो है ये वक्री हैं और अस्त हैं, जिसके कारण आपको संतान भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा मतलब अब आगे चल के होगी कि नहीं? हाँ जी, ये होगी नहीं, अगर कोई उपाय नहीं करते हो तो ये संभव नहीं हो पाएगा संतान होना, ठीक है। ओके शुक्र जो है बैठे हुए हैं सूर्य के साथ में छठे स्थान में, छठा स्थान वैसे ही रोग ऋण शत्रु का, लिटिगेशन का, कोर्ट केस का होता है, अस्त है, इसीलिए आपको शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। लगन में मंगल बैठे हैं, आप मांगलिक भी हो, ठीक है। अच्छा हाँ जी, ओके सप्तम भाव में हाँ मैरिज वाले स्थान पे राहु की पंचम दृष्टि और मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, और इसमें शुक्र अस्त होने के कारण, ठीक है। ये तीन अच्छा ग्रह ऐसे हैं जो आपकी शादी नहीं होने दे रहे। शुक्र जो है वैवाहिक जीवन के कारक हैं, समझ रहे हो, ओके शुक्र जो है वो प्रेम के और वैवाहिक जीवन के कारक हैं, ठीक। बराबर हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी कुंडली में। तंत्र में प्रॉब्लम क्या होता है कि वो चीजें दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन वो रास्ता रोक देता है हर हर साइड से। हाँ, क्योंकि बहुत जगह पे काम मेरा होने ही वाला था लेकिन नहीं होता है, पता नहीं क्यों, कहीं ना कहीं मतलब एकदम से फट से सब निगेटिव ही हो जाता है, फिर मैं एकदम मतलब ट्राई करना ही छोड़ देती हूँ फिर मैं। अभी तो आप इतना ट्राई कर भी रही हो, जैसे ही दिसंबर 2026 आएगा उसके बाद में केतु की महादशा लग जाएगी, ठीक है। केतु की अच्छा महादशा, अभी तो आपकी ऐसी इतनी स्थिति खराब नहीं है जितनी केतु की उसमें हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केतु अजीब टाइप के ग्रह हैं, ठीक है। वो आपकी मेंटेलिटी ऐसी बना देंगे कि आप सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। अच्छा हाँ, क्योंकि ये चीजें इतनी बढ़ जाएंगी 2026 के बाद में, यानी कि 2027 की स्टार्टिंग में, क्योंकि आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जॉब नहीं है, ठीक है, मैरिज नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, लोग घुलना मिलना भी बंद कर देंगे, लोग आपसे रिलेशन तोड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये सब चीजें केतु की महादशा में आएंगी, तो तब जो है आपके मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी कि इससे अच्छा तो मैं सुसाइड ही कर लूं, ठीक है। तो अभी आपके पास में लगभग ये 4 साढ़े 4 साल का समय है, बराबर ठीक है। तो उससे पहले हाँ पहले आप जो है, आपको रिकवरी करनी है। अच्छा, तो अभी रिकवरी करेंगे तो उसमें थोड़ा फायदा होगा 26 में भी, 2026 में केतु के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा ना, ठीक है। उपाय बताएंगे, व्हाट्सएप ही करेंगे या मुझे कॉल करना है? नहीं, पहले आपको व्हाट्सअप करूंगा, फिर आपको कॉल करने के लिए मैसेज करूंगा, उस टाइम पे आप कॉल करना, उसमें कुछ डाउट है वो पूछ लेना, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे कैसे करना, क्या क्या करना, ठीक है जी। ओके ओके ठीक, चलो थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक ठीक यू। है, जय माता दी।